हम हैं इंडिया लाइव 7 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 7। आइए नजर डालते हैं अभी की खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 7, मैं हूं विक्रमादित्य कुमार। आज 8 मार्च है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंडिया लाइव 7 की एक खास कार्यक्रम महिलाओं को सम्मान, महिलाओं के बातचीत को रखने के लिए आज हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत कई महिलाओं से हुआ है। जहानाबाद में होली मिलन समारोह भी चल रहा है और साथ साथ आज 8 मार्च है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं और काफी अच्छे मुकाम तक पहुंची हैं। काफी मशक्कत है महिलाओं को निकलना अपने घर से, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल है। आइए महिलाओं की जबानी सुनते हैं कि आप लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया, इस स्थान को हासिल किया, कितना मेहनत करना पड़ा। मैम, सबसे पहले आज आपको 8 मार्च से मेरे महिलाओं को क्या संदेश दिया? देखिए, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मुझे लगता है कि बिहार की महिलाओं के लिए हर रोज जिस तरीके से महिलाएं घर और खेत को संभालती हैं, मुझे लगता है एक पर्टिकुलर दिन सेलिब्रेट करना उनके उनके लिए उनको अच्छे तरह से उनको सम्मान शायद ना कर पाए। लेकिन चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी बहाने हम महिलाओं के मुद्दों पर थोड़ा और सशक्त रूप से चर्चा करते हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जो पहली बार, मुझे लगता है विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना पोजीशन एक तरीके से महिलाओं को देते हुए आज डेडिकेट किया है। और जो युवा यहाँ पर खड़े, वो सोशल मीडिया पर जो फॉलो कर रहे हैं, उनको मालूम होगा कि आज सुबह से प्रेरणादायी वो महिलाएं उनके हैंडल से ट्वीट कर करके अपने कामों के बारे में बता रहे हैं। तो जिस तरीके से मोदी जी ने सेलिब्रेट किया, वो संदेश है हम सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि एक दिन तक आप सीमित ना करें, आप अपनी पोजिशन छोड़िए, महिलाओं को मौका तो दीजिए, देखिए वो क्या क्या नहीं है। जहानाबाद की बच्चियों को जो नहीं आती, क्या कहना? मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी मशक्कत से वो मेहनत करती है घर में, बाहर, स्कूल में, खेतों पर, उतनी ही मशक्कत करती है आवाज़ ऊँची उठे, क्योंकि उनकी आवाज़ ऊँची उठेगी तभी प्रदेश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे वो राष्ट्र निर्माण के काम में और ज़्यादा मुखर रूप से सामने आ पाएंगे। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके योगदान को कम आंका जाता है, लेकिन वो जब तक सामने आकर के नहीं कहेंगी, जब तक सामने आकर के मुखर रूप से अपनी बात नहीं रखेंगी, तब तक जिस महत्व से सामने महिलाओं की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, वो स्पष्टीकरण समाज में, इसलिए उनका आगे आना मैं आज अपने पति के साथ आई हूँ जहानाबाद, और इसलिए मैं आई हूँ क्योंकि सही में मेरा जो विवाह हुआ वो एक आदर्श विवाह हुआ। मेरे भाई की भी जो शादी हुई वो एक आदर्श विवाह हुआ। एक चवन्नी का भी लेना देना कहीं किसी तरह से नहीं हुआ। और ये युवाओं से मैं दोबारा युवाओं को ही मुखातिब होकर कहूँगी, इसमें बहुत परेशानियाँ होंगी। बाबू जी कहतन कि दहेज लेवे के है, लेकिन हमने सबके अड़े ला है कि न दहेज ले न दहेज। हमारे साथ महिलाएं और भी हैं, महिला हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज महिला? जैसे जहानाबाद में रहते हैं तो बहुत से घर आपको जब आगे भी आए तो हम लोगों से मिले, तो आज भी हमारे यहाँ भेदभाव होता है बेटा बेटी, मतलब बेटा है तो मरेंगे तो साथ लेगा और बेटी तो उसमें आपको पढ़ाना लिखाना पूंजी लगाना, यानी कि मिट्टी में पैसा डालना। तो लोगों को हम पहले भी समझाते थे, आज भी हम बोलते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। और यदि आप जिस दिन ये मन में सोच लीजिएगा कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, किसी भी उस दिन आपका घर फर्क बन जाए। और जिस घर में लक्ष्मी का आदर नहीं, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती, तो लक्ष्मी का आदर कीजिए। और सब भाइयों पिता और बच्चों से बोलना यही चाहते हैं कि सिर्फ अपनी माँ और बहन भाई बहुत, यहाँ जितनी भी लड़कियाँ मिलती हैं जैसे कि पास पड़ोस में या चाची लोग रहती हैं, कोई भी महिला है, तो सबका आदर और सम्मान, क्योंकि वही तुम लोग करोगे जब अच्छा संस्कार रहेगा तो हमारा देश भी अच्छा होगा और कोई पार्टी गंदगी नहीं मिलेगी। जो आज लड़कियों को साफ रखता है उससे आत्मा रोता है। सिर्फ ये नहीं कि मेरी बेटी के साथ हुआ तो बहुत ज़्यादा दुखी है, दूसरे की बेटी बेटी, तो
कि तुम लोग भी तो हमारे साथ आज महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय महिला दिवस पे कई महिलाएं थी, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और लोगों ने ये कहा कि महिलाओं का घर से निकलना और उनको आज इस मुकाम तक लाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। विक्रमादित्य के साथ मुशर्रफ पालवी, जहानाबाद। अभी तक बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव सेवन।